Hi friends, welcome to Simple Living, Wise Thinking. और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ सैटरडे टू संडे यानी वीकेंड्स का स्पेशल लंच या डिनर मेनू शेयर करूंगी. लाइक इट्स टोटली अप टू यू. आप लंच पे भी खा सकते हैं, नहीं तो डिनर पे भी खा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सैटरडे. सो इन सैटरडे मैं नवरत्न कोरमा बनाऊंगी. सो उसके लिए हम लोग को एक पेस्ट बनाना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़े एलमंड्स और थोड़े कैश्यू लिया हुआ है. और फिर हम लोगों को अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ पम्पकिन सीड्स एंड 1 टेबलस्पून ऑफ खसखस यानी पॉपी सीड्स लेना है. पर अगर पम्पकिन सीड्स नहीं हो तो आप वाटरमेलन सीड्स भी दे सकते हैं. और थोड़ा पानी दे के मैं अराउंड 1/2 आवर इसको भिगो के रख दूंगी एंड देन आई विल मेक ए पेस्ट आउट ऑफ इट. एक पेस्ट बना लेंगे. सो अभी एक पैन में मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है. और हम लोग का ऑयल जब गर्म हो जाए तब मैं उसमें अराउंड 1/4 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स और फिर मैं उसमें 1 बे लीफ यानी तेज पत्ता और थोड़ा होल गरम मसाला ऐड कर रही हूँ. और अभी हम लोग इसमें 1 फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे और फिर हम लोगों को अच्छी तरह से मिक्स करना है. और ये हम लोग मीडियम फ्लेम पे विल कुक इट इन मीडियम फ्लेम. और सैटरडे संडे को हम सभी को दिल करता है कि हम लोग कुछ स्पेशल खाए, बट देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू कीप इट हेल्दी. में हेल्दी रखने की कोशिश करूंगी. और अभी मैं इसमें अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया है. फिर हम लोग को अच्छी तरह से पका लेना है. और फिर मैं इसमें 1 ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ. और अभी मैं इसमें ये पेस्ट ऐड कर दूंगी. फिर अच्छी तरह से हम लोग को मिक्स करना है. और मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ. फिर हम लोग को अच्छी तरह से इस पेस्ट को मिलाना है. फिर मैं उसमें थोड़ा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर और थोड़ा रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ. रेड चिली पाउडर इज टोटली अकॉर्डिंग टू टेस्ट. जनरली नवरत्न कोरमा ज्यादा तीखा नहीं होता है. फिर हम लोग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. और अभी मैं इसमें अराउंड 1/2 कप कर्ड ऐड कर रही हूँ यानी दही ऐड कर रही हूँ. और जब भी आप लोग दही ऐड करें अच्छा है कि आप गैस ऑफ कर दें. और अभी मैं इसमें थोड़ा शुगर और थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ. फिर अच्छी तरह से हम लोग को मिक्स करना है. और डेफिनेटली ये वीडियो तो लाइक बनता ही है, तो अभी तुरंत आप लोग पॉज करके मुझे एक लाइक तो दे ही सकते हैं. और थोड़ा कवर करके रख देंगे. तो अभी मेरा ग्रेवी रेडी है. तो अभी हम लोग इसमें चॉप्ड वेजीज ऐड कर देंगे. तो वेजीज में मैंने कॉलीफ्लावर, कैरेट, थोड़ा पीस और कॉर्न लिया है. फिर अच्छी तरह से हम लोग को मिक्स करना है. और नवरत्न कोरमा में हर वक्त आपको वेजीज को छोटा छोटा करके कट करना है. तो अगर आप चाहे तो बे लीफ निकाल सकते हैं. सो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड देन थोड़ा पानी ऐड करना है. और फिर हम लोग इसमें अराउंड 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला एंड मैं थोड़ा ग्रीन चिलीज दे रही हूँ, लाइक होल ग्रीन चिलीज भी ऐड कर रही हूँ. फिर मैं कवर करके रख दूंगी. और अराउंड 10-15 मिनट्स बाद हम लोग को चेक करना है कि वेजीज बॉयल हुआ है कि नहीं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा वेजीज परफेक्टली बॉयल हो चुका है. सो अभी इस स्टेज में एक्चुअली आपको क्रीम ऐड करना है, पर मैं क्रीम इसमें ऐड नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ क्रीम आप इसमें कोकोनट मिल्क दे सकते हैं. इससे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में. सो ये मेरे पास कोकोनट मिल्क है. तो मैं थोड़ा ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा कोकोनट मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ. और अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे. पर अगर आप डेफिनेटली चाहे, अगर आपको और ज्यादा अच्छा करना है तो आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं. पर कोकोनट मिल्क से भी ये खाने में बहुत अच्छा लगता है.
और एट द एंड में इसमें थोड़ा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ और मैं ये बहुत ही सिंपल रख रही हूँ, नहीं तो नवरत्न कोरमा में उसके बाद फिर आप तड़का दे सकते हैं जिसमें आप लाइक ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग ऑल दिस क्योंकि ऐसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, सो इट्स गुड टू कीप इट सिंपल। और गर्मियों का मौसम है यानी सबको मैंगो खाने का बहुत मन करता होगा, सो मैं एक बहुत ही सिंपल आमरस बना रही हूँ और बहुत ही इजी है। तो पहले मैंने थोड़ा मैंगो को चॉप करके कट कर लिया है, फिर मैंने थोड़ा शुगर ऐड किया है क्योंकि मेरा ये मैंगो बहुत ज्यादा खट्टा है, एंड देन आई हैव एडेड बहुत ही कम, थोड़ा मैंने क्रीम ऐड किया है। तो अभी हम लोग इसको ब्लेंड कर देंगे और हाँ, ये हम लोगों का आमरस रेडी है, तो फ्रिज पे रख दीजिए और जब आपको खाना हो तो निकाल के खाइए। तो ये हम लोगों का रेडी है सैटरडे का मेन्यू, नवरत्न कोरमा, थोड़ा अचार, मैंने थोड़ा पूरी बनाया था और हाँ, आमरस के ऊपर में मैंने थोड़ा केसर भी ऐड कर दिया है और डेफिनेटली ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद भी आएगा। तो चलिए अभी चलते हैं संडे की तरफ। सो संडे कुछ ज्यादा बनाते हैं क्योंकि संडे है। पहले हम लोग एक चना दाल बनाएंगे, उसके लिए पहले मैं पैन में यहाँ पे अराउंड 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और मैंने चना दाल ऑलरेडी बॉयल करके रख दिया है और ये थोड़ा बंगाली स्टाइल होगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं सारी रेसिपी में बहुत ही कम ऑयल पे बना रही हूँ तो उसके लिए तो एक शेयर डेफिनेटली बनता है। सो व्हेन द ऑयल इज हॉट, फर्स्ट मैं उसमें 1/4 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स ऐड करूंगी और मैं 1/8 टीस्पून ऑफ हींग ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसमें 2 बे लीफ एंड 3 ड्राई रेड चिली ऐड कर रही हूँ और अभी मैं इसमें होल गरम मसाला ऐड करूंगी। और अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी मैं इसमें फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड 1 या 2 ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ और अभी मैं इसमें थोड़ा किशमिश ऐड कर रही हूँ, पर मेरा ये किशमिश बहुत ही छोटा है इसलिए बहुत फनी लग रहा है। अगर आपको लाइक किशमिश नहीं चाहिए तो आप ऐड भी नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली ऐड कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम लोग इसमें टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर एंड रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये भी हम लोग मीडियम फ्लेम पे हम लोगों को पकाना है। तो अभी हम लोग इसमें दाल ऐड कर देंगे और ये दाल ज्यादा आपको लाइक पतला नहीं करना है, ये दाल थोड़ा थिक होता है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, अगर आपने नहीं खाया हो तो डेफिनेटली 1 time तो टेस्ट कीजिएगा। और अच्छी तरह से अभी हम लोग मिक्स कर लेंगे और इसमें अभी मैं थोड़ा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और फिर इसमें हम लोग को सॉल्ट टू टेस्ट भी ऐड करना है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर मैं इसमें थोड़ा शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये दाल में शुगर ऐड करना बहुत जरूरी होता है और कवर करके रख देंगे 5 to 10 minutes तक। तो मेरा दाल टोटली रेडी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तेज पत्ता निकाल देंगे, आप तेज पत्ता और अगर आप चाहे तो ड्राई रेड चिली भी निकाल सकते हैं और लास्ट में हम लोग इसमें थोड़ा ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। हम लोग इसमें 1 teaspoon ऑफ घी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। हाँ, हम लोगों का दाल रेडी है तो चलिए चलते हैं अभी एक पनीर की सब्जी बनाते हैं। तो आज हम लोग शाही पनीर बना रहे पर मेरे स्टाइल, इन माय स्टाइल। सो उसके लिए फर्स्ट हम लोगों ने पैन पे यहाँ पे अराउंड मैंने 2 टमेटोज लिया है और 1 अनियन लिया है, फिर मैं उसमें अराउंड 3 ग्रीन चिलीज, थोड़ा गार्लिक, अराउंड 4 मैंने गार्लिक लिया है और यहाँ पे अराउंड 1
टेबलस्पून ऑफ जिंजर होगा, फिर हम लोग इसमें थोड़ा कैशू भी ऐड करेंगे और मैं इसमें अभी थोड़ा सिनेमन स्टिक ऐड कर रही हूँ और फिर मैं अभी इसमें थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और अभी हम लोग इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और फिर मैं भूल गई, हम लोग को इसमें थोड़ा घी ऐड करना है, तो अभी हम लोग इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और अगर आप सबको पसंद आया है तो नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू डू नॉन वेज रेसिपीज वीकेंड्स के लिए स्पेशल। तो अभी हम लोगों का लाइक सब कुछ टमेटोज और अनियंस अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अभी हम लोग इसको निकाल करके अलग करके रख देंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाए तब इससे एक पेस्ट बना लेंगे। तो अभी हम पैन में अराउंड में 1 टीस्पून ऑफ घी ले रही हूँ। जनरली शाही पनीर में बहुत सारा घी चाहिए होता है, पर मैं बहुत ही कम घी से बना रही हूँ। और अभी हम लोग इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर लेंगे, पर हम लोग को लाइक पनीर को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, तो ये हम लोग लो फ्लेम में कर रहे हैं और बहुत ही हल्के से हम लोग को पनीर को फ्राई करना है। तो अभी मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा टर्मरिक पाउडर भी मैंने ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और अभी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं लाइक कितना स्मूथ लग रहा है ये पेस्ट। तो आप देख सकते हैं इसने ऑलरेडी कलर भी चेंज हो चुका है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा शुगर और थोड़ा सॉल्ट ऐड किया था लास्ट। हम लोग इसमें बहुत ही कम, थोड़ा फाइनली क्रस्ट कसूरी मेथी ऐड करेंगे। आपको बहुत कम कसूरी मेथी ऐड करना है, ज्यादा ऐड नहीं करना है। और ये एक नटमेग है, तो हम लोग नटमेग को थोड़ा ग्रेट करके इसमें ऐड कर देंगे। आपको ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो बहुत ही खराब लगेगा। और ये क्रीम नहीं है, ये हाफ एंड हाफ है, लाइक ये क्रीम से थोड़ा लाइट है, तो मैं हाफ एंड हाफ में ज्यादा नहीं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। और हाँ, ये देख सकते हैं हम लोग का शाही पनीर रेडी है और बहुत ही स्मूथ हुआ है ग्रेवी और खाने में भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। और ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम ऑयल से इसको बनाया है। चलिए, संडे है तो लास्ट और एक आइटम तो बनता ही है, तो केसरी पुलाव बनाते हैं। उसके लिए एक पैन में मैंने अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है और उसमें मैं 1 टीस्पून ऑफ घी भी ऐड कर रही हूँ। और सैटरडे और संडे मुझे लगता है वीकेंड्स को सभी को अच्छा खाने का मन करता है, पर फिर भी मैं बहुत ही हेल्दी रख रही हूँ। तो अभी मैंने इसमें 2 बे लीव्स यानी 2 तेजपत्ता ऐड कर लिया है और अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास शाही जीरा हो तो बहुत अच्छा है। फिर मैं इसमें थोड़ा कैशू और 1 जावित्री ऐड कर रही हूँ और थोड़ा होल गरम मसाला, ज्यादा नहीं, बहुत ही कम आपको ऐड करना है। फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कैशू भी थोड़ा फ्राई हो जाए। तो अभी हम लोग इसमें राइस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 2 कप राइस लिया है और अच्छी तरह से हम लोग को मिक्स करना है। तो अभी हम लोग इसमें केसर ऐड करेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने केसर को थोड़ा मैंने ग्राइंड कर लिया था और आप देखेंगे कितना अच्छी तरह से कलर चेंज हो गया है और ये लाइक नेचुरल एक कलर है जो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी आपको इसमें सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा शुगर भी ऐड करना है, ज्यादा नहीं। और फिर मैंने इसमें अराउंड 3 कप ऑफ वाटर ऐड किया है
और मैं अभी इसको कवर करके रख दूंगी फॉर अराउंड 5 to 10 minutes. और अभी लगता है मेरा केसरी पुलाव रेडी है. हाँ, आप देख सकते हैं कि केसरी पुलाव रेडी है. लाइक ये 95% हो गया है. तो इस स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, लाइक अगर आपको फ्लफी राइस चाहिए तो अभी हम लोग गैस ऑफ करके इसको ढक करके कवर करके रख देंगे. एंड आप चाहे तो ये बेलीफ निकाल सकते हैं. तो हम लोग कवर करके रख देंगे. एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स के बाद आप देखिएगा कि आपका राइस कितना ज्यादा लाइक फ्लफी और खिला खिला होगा. तो देख सकते हैं 10 मिनट्स के बाद देखिए राइस कितना अभी टोटली खिला खिला है. सो ये है मेरा संडे का मेन्यू. थोड़ा पापड़ सैलड, हम लोगों ने जो चना दाल बनाया था, हम लोग का शाही पनीर और एक मिठाई ऐसा ही मैंने ऐड किया है. तो ये थे मेरे वीकेंड्स लंच या डिनर स्पेशल मेन्यू या रेसिपीज. और डेफिनेटली आप सबको ये वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है. और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. बाय बाय.